तुहे कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़ उप जेल मा गोरेलाल 2 साल के सजा काट के जेल ले रिहा होए के 2 बछर बाद भी आज तक घर नहीं पहुंचे है। मामला के शिकायत परिजन मन मनेन्द्रगढ़ थाना में करे है। देखो ये रिपोर्ट। परिजन मन के अनुसार भगवानपुर निवासी गोरेलाल धारा 354 के तहत 2 साल ले मनेन्द्रगढ़ के उप जेल में अपन सजा काटत रहीस। अचानक पीड़ित के तबियत खराब हो जाए ले जेल अधिकारी द्वारा बैकुंठपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई, जेखर सूचना मिले के बाद पीड़ित के माँ और बेटा जिला अस्पताल पहुंची। फोन लगाए हैं, फिर मेरे घर आया एक लड़का, वो बोला कि तेरा पिताजी को ले गए हॉस्पिटल, ले जाएंगे जा देख के आ तू। फिर आज ही समय है तो उसके बाद देखे तो कहे कि तेरा पिताजी छोड़ दिए हैं। कौन बोला छोड़ दिए? पुलिस वाले बोले, जेल बिल्डिंग वाले तो बोले छोड़ दिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, बोले कि जाओ पता करते रहना यहाँ वहाँ, फिर रिपोर्ट लिखा देना यहाँ। इसके बाद हम रिपोर्ट यहाँ लिखाने आए हैं रवि सर से। रवि सर से रिपोर्ट उपोर्ट लिखा तो नंबर वंबर लिया हमारे। उसके बाद फिर हम अपना काम धाम में भी आ गए भाई, अब इधर उधर पैसा दाम भी नहीं रहा। फिर उसके बाद फिर आए मोहल्ले बराउर आए थे। उसके बाद फिर वहाँ गए जेल बिल्डिंग, आए नहीं मिला, फिर नहीं मिला। फिर कह जाओ पता होता कर रहे ना, फिर यहाँ आए थे रवि सर फिर लिखे थे। उसके बाद फिर चले गए घर हम। अस्पताल में पीड़ित के कोनो सूचना नहीं मिले ले वापिस उप जेल गई। जी हाँ, जेल के अधिकारी मन बताईस कि गोरेलाल रिहा हो गए। रिहाई के बाद सुन के पीड़ित के माँ और बेटा वापिस घर पहुँचीस, लेकिन पीड़ित ला घर में नहीं देख के बेटा कई दिन तक पिता के इंतजार करत रहीस। कुछ पता नहीं चले ले पीड़ित के बेटा और माँ लोक सुराज और मनेन्द्रगढ़ थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सिर्फ गुम इंसान दर्ज करके पीड़ित के तलाश करे के घलो कोशिश नहीं करे गई। बेटा लगभग 2 साल बीत जाए के बाद आज फिर पिता के तलाश में मनेन्द्रगढ़ पुलिस ले न्याय की गुहार लगावा थे। मामले में गोरेलाल नामक व्यक्ति 354 धारा के मामले में मनेन्द्रगढ़ जेल में निरुद्ध था। जेल से छूटने के बाद वो घर नहीं पहुँचा था, तो उसके घर नहीं पहुँचने पर परिवार वाले द्वारा शिकायत जांच पर से थाना मनेन्द्रगढ़ में गोरेलाल की तलाश भूमि स्थान दर्ज किया गया है। भूमि स्थान दर्ज करके बाद गोरेलाल का पताशारी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है और सतर्क प्रयास जारी है। मामला में पुलिस का कहना है कि जांच करे जाते हैं और पीड़ित के तलाश घलो जारी है। कोरिया ले डिजिटल रिपोर्टर संजय गुप्ता की रिपोर्ट।